तो चलिए आज हम बनाते हैं मारवाड़ की कढ़ी। हमारी कढ़ी प्याज वाली कढ़ी है। इसके लिए हम प्याज काटते हैं, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार प्याज काट लें। ये हरे प्याज है, उसके बाद में हरी मिर्च काट लें। जितनी आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार आप हरी मिर्च को काट लें। हरी मिर्च काटने के बाद उसमें हल्दी मिला दें, वो जो मिर्च काटे उसी के अंदर हल्दी मिला दें। और उसके बाद में मिर्च मिला दें, ये सूखी मिर्च जो लाल मिर्च होती है वो मिला दें। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जीरा और जीरे के साथ में राई मिला लेते हैं। और जो मिर्च है उसके अंदर नमक मिलाना बाकी है, तो चलो नमक मिला लेते हैं। ये लो नमक मिला दिया है, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार नमक मिला ले। और ये करी पत्ता जो लहसुन है लहसुन के साथ में डाल के आप उसको थोड़ा पीस ले। ये लहसुन पीस ली गई है। और उसके बाद तो इसको भी बनाने के लिए सरसों का तेल डालते हैं। जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप तेल डाल दीजिए, एक चम्मच दो चम्मच जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार। जो सूखी मिर्च और नमक है उसमें पानी मिला दें ताकि गर्म तेल में जले नहीं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। जीरा और राई डाला सबसे पहले, ये थोड़ा भून रहा है। उसके बाद में मिर्ची डालते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी मिला देते हैं और इसको थोड़ा पकने दें, थोड़ा भून जाता है। उसके बाद में दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। ये छाछ है, अभी कढ़ी बनानी है तो छाछ ज़रूरी है। इसके लिए छाछ इसमें डालेंगे। छाछ अभी रेडी है, ये एकदम मिर्च भून गई है। मिर्च भून गई है तो अभी इसमें छाछ डालेंगे। ये छाछ है, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप छाछ डाल दीजिए। ये कढ़ी है, अब इसमें बाजरे का आटा डालना है, तो चलो बाजरे का आटा ले लेते हैं। एक चम्मच ये डाला, थोड़ा और ये थोड़ा और ले लिया। जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप बाजरे का आटा डाल दीजिए। और अभी हिलाइए ताकि ये मिक्स हो जाएगा। ये छाछ थोड़ी खट्टी है तो इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। अगर छाछ गाढ़ी और खट्टी हो तो आप उसमें पानी डाल के उसका टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से हिलाना है ताकि बाजरे का आटा मिक्स हो जाए एकदम। बाजरे का आटा इसमें एकदम से मिक्स हो गया है। अभी देखो इसमें थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही है। जैसे जैसे गर्म होती जाएगी इसमें से भाप निकलती जाएगी। आप इसको हिलाते रहना है, अगर आप नहीं हिलाएंगे तो जो छाछ है वो ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी। अभी ये 80% तक रेडी हो गई है। इसमें प्याज डाल दो, जो अपन ने काट के रखे थे वो प्याज डाल दिए हैं। और देखिए अभी काफ़ी भाप बन गई है, काफ़ी गर्म हो गई है। तो अभी लास्ट में इसमें लहसुन और जो करी पत्ता था वो डाल दिया। अभी जो भी सामग्री इसमें डालनी थी वो सब पूरी हो चुकी है। बस आप चम्मच हिलाते रहिए और करिए थोड़ा सा इंतज़ार। और अभी आपकी कढ़ी अंतिम चरणों में है, अभी रेडी होने वाली है। अभी जस्ट थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगी तब रेडी हो जाएगी। देखिएगी आप भाप बन रही है और बहुत गर्म हो चुकी है। ये लो आपकी कढ़ी एकदम रेडी मारवाड़ी टेस्ट में, एकदम तैयार। तो फिर
लीजिए और खाइए अपने राजस्थान के बाजरे की रोटी के साथ अपनी।